हे गाइस कैसे हो सारे, आशा करता हूं सब ठीक ही होगे। सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को पिक्सेल एप्लीकेशन के कुछ न्यू सीक्रेट टूल्स के बारे में बताने वाला हूं। इन सारे सीक्रेट टूल्स का यूज करके आप सब लोग कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग कर पाओगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। इन सारे टूल्स का यूज करके एक अच्छा खासा प्रोफेशनल एडिट कर पाओगे। तो वीडियो आप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला, वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो, ठीक है गाइस। आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, और अभी तक ने मेरे इंस्टा आईडी को भी नहीं फॉलो किया तो क्या करो यार, जाओ इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर लो। इंस्टा आईडी का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर इजीली फॉलो कर सकते हो। चलिए वीडियो यहां पे स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप लोगों को फोटो को शेयर करके पिक्सेल ऐप के अंदर ओपन कर लेना है, ठीक है। फोटो पिक्सेल ऐप के अंदर ओपन होने के बाद आप लोग कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्लिक कर लेना है इफेक्ट वाला टूल के अंदर एंड जाना है आप लोगों को कलर्स पे। तो मैं यहाँ पे सिंपली कलर्स को सिलेक्ट कर लिया, देन हम लोग जाएंगे कलर रिप्लेस पे, ठीक है। कलर्स पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है कलर रिप्लेस पे। सिंपल आप लोग कलर रिप्लेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसका जो प्लस वाला आइकन है उसको हम लोग बैकग्राउंड के कलर पे छोड़ देता हूँ, ठीक है, ग्रीन कलर पे। एंड इसका रिप्लेस ह्यू को हम लोग इधर उधर करके देखेंगे, ठीक है। जो हम लोग को अच्छा लगे जो कलर वहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे। सिंपल हम लोग ये वाला कलर अच्छा लगता है इसको छोड़ देंगे एंड सिंपल हम लोग जाएंगे इरेजर टूल के अंदर एंड इरेजर को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड सिलेक्ट करने के बाद कुछ स्टेप से हम लोग शर्ट के अंदर से रिमूव कर लेंगे, मतलब जहाँ कहीं भी हम लोग को नहीं चाहिए उससे हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ एंड मैं फटाफट इरेज कर लेता हूँ। सो गाइस जैसे कि देख सकते हैं हम लोग फटाफट इसको रिमूव कर लिया, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग राइट वाला आइकन पर क्लिक कर लेंगे एंड जाएंगे इस वाला आइकन पर एंड इस वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर सैचुरेशन। तो मैं पे सिंपल सैचुरेशन को सिलेक्ट कर लिया एंड इसका सैचुरेशन को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लूँगा, ठीक है, इतना 81 एंड देन हम लोग इरेजर टूल के अंदर क्लिक करेंगे एंड फेस से रिमूव कर लेंगे फिर से एंड आप लोग को राइट बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है एंड फिर से राइट बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है। फिर से आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है टूल्स के अंदर एंड इसका फेस को व्हाइट कर लेना है, ठीक है। पहले टूल्स के अंदर क्लिक कर लेता हूँ एंड इसका एडजस्ट टूल पर जाके हम लोग यहाँ पे सैचुरेशन को कमा लूँगा, ठीक है, लगातार यहाँ पे 23 या 24 एंड जाएंगे हम लोग ब्राइटनेस पे एंड इसका ब्राइटनेस को हम लोग बढ़ा लेंगे 9 एंड हम लोग इरेजर टूल के अंदर क्लिक करेंगे एंड सिंपल हम लोग पूरा को रिमूव कर लेंगे इस वाला आइकन पे क्लिक करके एंड पूरा रिमूव करने के बाद आप लोग सिंपल आप लोग का फेस के अंदर मतलब ब्रश को चलाना है। उसके लिए हम लोग सिंपल ब्रश को अच्छे से एडजस्ट करके कुछ इस टाइप से ब्रश कर लेंगे, ठीक है। सो वीडियो आप बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वीडियो का थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ। एंड गाइस जैसे कि देख सकते हैं हमारा फेस यहाँ पे कितना ज़्यादा व्हाइट बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फेस को व्हाइट कर पाओगे एंड बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे। तो हम लोग सिंपली राइट वाले आइकन पे क्लिक कर लेंगे एंड फिर से राइट पे क्लिक कर लेंगे। सो गाइस जैसे कि देख सकते हैं हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, सीवी जैसा लग रहा है एंड यहाँ पर हमारा फेस भी व्हाइट हो चुका है, ठीक है। आप लोगों को बताऊंगा जो आज का हमारा कौन सा न्यू टूल्स यूज करने वाला हूँ एंड कौन सा न्यू ट्रिक यूज करने वाला हूँ, ठीक है। एंड न्यू टूल्स का यूज करने के लिए आप लोगों को सिंपली टूल्स के अंदर क्लिक कर लेना है एंड आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है क्लोन टूल्स को, ठीक है। तो सिंपल हम लोग क्लोन टूल्स के अंदर क्लिक कर लेता हूँ एंड इसका यूज भाई बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है। मतलब बहुत ही इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसको आप लोगों को अच्छे से टाइम दे करना है। सिंपल आप लोग को इस वाला आइकन पे पहले क्लिक कर लेना है एंड इस वाला आइकन को आप लोग का यहाँ पे इस पे छोड़ देना है, ठीक है, स्किन कलर पे। तो यहाँ पे छोड़ देता हूँ, यहाँ पे छोड़ देना है एंड इसका ब्रश साइज को आप लोग को इतना रख लेना है, ठीक है। साइज को आप लोग फोटो के हिसाब से रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे इतना रख लिया साइज को। एंड गाइज मैं आप लोग को एक चीज़ समझ रहा हूँ, ये वाला जो है ना प्लस वाला, यही आप लोग का हेयर के ऊपर ले जाएगा जो हेयर कट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग को इसको सही से लगाना है, मतलब कहाँ लगाना है वो आप लोग को दिखना है। तो मैं यहाँ पे इस वाला मतलब यहीं रखना है आप लोग को सिंपली इसको एंड आप लोग कुछ इस हिसाब से चलाना है, ठीक है। सो गाइस जैसे कि देख सकते हैं हमारा यहाँ पे जो हिथ्या वो हमारा बन रहा है अभी। गाइस जैसे कि देख सकते हैं अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे बना लिया, ठीक है।
एंड आप लोग भी इस तरीके से हेयर कट वगैरह सब कुछ कर सकते हो। तो ये वाला बहुत ही अच्छा एक न्यू टूल्स है, तो इसका यूज करके आप लोग बहुत ही अच्छा खासा फोटो एडिटिंग कर पाओगे। इस तरीके से फोटो एडिटिंग करने के बाद आप लोगों को फिर से राइट वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है एंड फिर से जाना है टूल्स के अंदर, ठीक है। एंड टूल्स के अंदर जाने के बाद आप लोग को इस वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है, थोड़ा सा हेयर को बड़ा कर लेना है। तो मैं आप इसका पावर को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ एंड इसको साइज को भी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ एंड कुछ इस टाइप से हेयर को बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर रियलिस्टिक तरीके से यहाँ पे हेयर बड़ा होगा। यहाँ पे जो आप लोग का हेयर एडिट होगा तो आप लोग पता भी नहीं चलेगा जो भाई यहाँ पे हेयर एडिट है, ठीक है। रियलिस्टिक तरीके से यहाँ पे हेयर एडिट होगा आप लोग का। सो गाइस जैसे कि देख सकते हैं हमारा हेयर भी बड़ा हो गया, हेयर पे एक स्टाइलिश कट भी आ गया जो हम लोग को चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का फोटो हो गया कॉम्प्लीट, तो फोटो को हम लोग यहाँ पे डन कर लेता हूँ। सो गाइस जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो हेयर स्टाइल था वो भी हो गया ऐप पे एंड यहाँ पे हमारा फोटो हो गया कॉम्प्लीट। तो फोटो को सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए आप लोग को सिंपल यहाँ पर ड्रॉ टूल के अंदर क्लिक कर लेना है, फिर से ड्रॉ पे क्लिक कर लेना है एंड आप लोग को सिंपली थ्री डॉट का आइकन पे क्लिक करके फोटो को गैलरी के अंदर सेव कर लेना है, ठीक है, फाइनल एडिटिंग करने के बाद। सो गाइस वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट के बताना। आई होप कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर देना एक लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।